मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में जिला उत्सव की सफलता के बाद अब नगर गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कवि सम्मेलन होगा और इस कवि सम्मेलन में देश प्रदेश के वरिष्ठ कवि आएंगे। नगर गौरव दिवस के बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने कहा कि नगर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश के वरिष्ठ कवि आएंगे। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि नगरवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाएं। कवि सम्मेलन का जो एक अच्छे कलाकार बाहर से जो कवि हमारे सम्मानित गजल सिंह सोलंकी और उनके बहुत से अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं और वह कवि सम्मेलन का हम सभी लोग आनंद लें और अपने गौरव नगर निगम के जो गौरव दिवस है उसमें हम लोग सब सहभागी बने, यही हमारी अपने नगर निगम के सभी अपने जो निवासी हैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी लोग आए और इसमें सहभागी बने। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।